काउंटडाउन शुरू हो चुका है और काफ़ी कम वक्त रह गया है। और आज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि धुआंधार प्रचार यहाँ पर हो रहा है, और ये जो इलाका है ये शिवनगर इलाका है, और यहाँ पर रुद्रपुर के महापौर रामपाल जी हैं, तरुण दत्ता जी हैं, इसके साथ ही गुप्ता जी हैं, और हमारे बीच में जो महिला यहाँ की जो पार्षद हैं किरण राठौर वो भी है। सबसे पहले मेयर साहब ये बताइए किस तरह से जो है यहाँ पर जनता का समर्थन मिल रहा है बीजेपी को? सच्चाई बोलूँ या वैसी नेताओं वाली? तो सच सच्चाई बोलें तो हमारे अलावा कोई है ही नहीं ट्रांजिट कैंप में। आज की तारीख में जिस तरीके हम जहाँ निकल रहे हैं वहाँ हम लोगों ने काम इतना किया है नगर निगम ने, और दूसरा हमारे सामने मोदी जी का एक बहुत बड़ा चेहरा है। मोदी जी के लोग इतने बड़े भक्त हैं, इतने बड़े दीवाने हैं इस इलाके में कि जिसके यहाँ जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि क्यों टाइम ख़राब कर रहे हो, यहाँ बताओ ये तो है ही यहाँ आपका, आप दूसरी जगह आप मेहनत करिए जाके। तो जहाँ इतना बड़ा जन समर्थन हो तो वहाँ तो ये जीत हमारी एक तरफा है। यहाँ पर दत्ता जी किस तरह से बंगाली समर्थन बता रहे हैं कि बंगालियों का समर्थन जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जा रहा है, क्या देखते हैं किस तरह का जो है यहाँ पर समर्थन मिल रहा है? देखिए हम यहाँ पर जो है सुबह से 8 बजे से कैंपेनिंग कर रहे हैं, हमारे तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम घर घर जा रहे हैं, और लोगों में अजीब उत्साह है। और ये हमारा जो क्षेत्र है ये भारतीय जनता पार्टी को लोग जानते हैं, कमल के फूल को जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी को लोग जानते हैं। हर घर घर में कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर जो है हमारे विधायक बनेंगे और सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी उत्तराखंड प्रदेश में। नरेंद्र भाई विधायक बागी हो गए हैं, सीटी लेकर के मैदान में दौड़ रहे हैं, क्या सीटी बज रही है कहीं? सीटी की गोली पीछे से निकल गई, अब आवाज़ नहीं आ रही, सीधी उसमें शुरू की आवाज़ रह गई है, सीटी नहीं बजने वाली कहीं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल, ये देखो भगवान भी ऊपर से मेहरबान है, बूंदे डाल रहा है, अब जोरों से खिल रहा है। पहले से ज़्यादा वोटों से ट्रेंड कैंप से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी होके जाएगी, उसका मुख्य कारण है मेयर रामपाल सिंह ने इतना काम किया है, गली गली जा रहे हैं, कार्यकर्ता इतने खुश है, पब्लिक इतनी खुश है जिसका कोई जवाब नहीं, चाहे देसी हो चाहे बंगाली हो, एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है। किरण जी क्या कहेंगे, आप भी कन्वेंसिंग में लगातार उतरी हुई है, सोशल मीडिया पर चल रहा है, क्या कहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि ट्रांजिट कैंप तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, यहाँ पे तो और कहीं वोट जाता ही नहीं है, क्योंकि हर किसी के दिल में नरेंद्र मोदी जी और कमल का फूल बसा हुआ है। और जो निर्दलीय प्रत्याशी जो इस टाइम चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि किसी ने पोस्ट डाली थी, और मुझे कहने में इसमें कोई वो नहीं है कि किसी ने पोस्ट डाली थी, जैसा चरित्र वैसा निशान, तो वो बात बिल्कुल सही है, सटीक है। देख रहे हैं लगातार जो है यहाँ पर कन्वेंशन चल रही है, क्या कहोगे आप, क्या कहोगे यहाँ पर आप शिव अरोड़ा जी के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हम भी यही कहना चाहते हैं जितना जनता है हमारा संग, खाली नरेंद्र मोदी है इस समय और कुछ भी नहीं है, फूल है, सब फूल है, नरेंद्र मोदी हमारा बम्पर वोट में जीतेंगे, अब हम लोग उनका विजयी होकर भेजेंगे यहीं से टंडस कैंप से। और क्या कह रहे हैं? मोदी 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 के अलावा कोई है नहीं पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ मोदी मोदी मोदी, और मोदी के समर्थन में जो है हम उनके समर्थन में है। बताइए भारतीय जनता पार्टी विकास और विजन के साथ में रुद्रपुर से उतरी है, हमारे प्रत्याशी उनके पास सोच है, विकास की सोच है, जन भागीदारी की सोच है, लोगों को साथ लेकर चलने की सोच है, और उस सोच के साथ यहाँ ट्रांजिट कैंप की जनता जुड़ी हुई है और दिल से जुड़ी हुई है। और साथ ही फिर उनके जो हमारा चेहरा है नरेंद्र मोदी जी, पुष्कर धामी जी, उनके चेहरे के लिए कोई बेदाग छवि और विकास, और जितने उन्होंने हमारे लिए योजनाएँ चलाई हैं, गरीबों के लिए अटल आयुष्मान कार्ड, लोगों के लिए शौचालय और जनधन खाते, जो लोग खाते के लिए परेशान रहते थे उनका खाते दिए हैं, और बहुत छोटे छोटे मुद्दों को सोचा है मोदी जी ने, जैसे कि हम लोग अगर अपना फार्म भरने जाते थे तो अपना एक सेल्फ अटेस्टमेंट कार्ड को कागज़ों को लेकर के, कागज़ हमारे असली होते थे लेकिन जाते कहाँ थे, अधिकारियों के पास, वो हमको धक्के दे दे के भगाते थे। उन्होंने वो छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ों की तो बात ही छोड़िए, जो एक छोटा से छोटा विद्यार्थी हमारा भटकता था रास्तों में, उस तक की सोच को लेकर चलने वाला हमारे पास नेतृत्व है, तो हमें कहीं सोचने के लोगों की जरूरत ही नहीं है। रामपाल जी जिस तरह से विधायक राजकुमार ठुकराल की एक पोस्ट आई है वो कह रहे हैं कि रामपाल सिंह को मैंने चुनाव लड़वाया, मैंने टिकट दिलवाया, और जब जनता से मैंने वादे किए थे मेयर के चुनाव के दौरान, मैंने कहा था कि रामपाल जी पकड़ में आए तो मुझे पकड़ लेना, क्या राजकुमार ठुकराल ने आपको टिकट दिलाया था, क्या उन्होंने चुनाव लड़वाया था अपने दम पर? देखिए मुझे किसी ने टिकट दिलाया, मुझे टिकट दिलाया भारतीय जनता पार्टी ने। जहाँ तक चुनाव लड़ाने या ना लड़ाने का सवाल है वो भाजपा में थे, और हर भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने भी मुझे चुनाव लड़ाया, इसमें निश्चित है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देती तो हम पूरे मनोयोग से उनको लड़ाते। आज क्योंकि उनको टिकट नहीं मिली है, और उनको भाजपा ने एक बहुत बड़ा कार्यकाल दिया, उनको 2 बार पार्षद बनाया, 1 बार चेयरमैन बनाया, 2 बार विधायक बनाया, और आप क्या चाहते हैं?
आपको 25 साल इतने बड़े बड़े दायित्व पे पार्टी ने रखा है, और अगर आज किसी दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता को अगर पार्टी ने मौका दिया है तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप आगे बढ़ के उसको जिताते, उसको लड़ाते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप एक बागी उम्मीदवार के रूप में आप खड़े हो गए। ऐसा नहीं है कि पार्टी ने, हमारी तो पार्टी परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है, क्योंकि जिसको एक ही परिवार के जिसमें सत्ता चलती हो, हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता चाहे छोटा या बड़ा है किसी को भी मौका मिलता है। तो आज अगर उनको अगर दूसरे हमारे कार्यकर्ता को मौका मिला तो उन्हें लड़ाना चाहिए था। अब ये उनकी गलती है। हमारे साथ रामपाल सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विधायक राजकुमार ठुकराल को बागी नहीं होना चाहिए था, और जिस तरह से राजकुमार ठुकराल बागी हुए और बागी होकर के वह निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वे बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं और वो बीजेपी के प्रत्याशी को ही लड़ाएंगे, तो इस कारण कहीं ना कहीं जिस तरह से राजकुमार ठुकराल कह रहे थे कि उनके द्वारा राजकुमार ठुकराल को चुनाव लड़वाया गया था, उस सभी दावों को जो है यहाँ पर मेयर रामपाल ने खारिज कर दिया है। आगे और हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे आखिरकार रुद्रपुर की विधानसभा पर क्या कुछ चल रहा है।